हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सोनल परिहार आपके लिए कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ। हर बार आपको बताती हूँ पेनलेस डिलीवरी कैसे होती है, एपिड्यूरल एनल्जीजिया क्या होता है, पोस्ट स्पाइनल यानी कि स्पाइनल नीडल पीछे जाने के बाद बैकएक होता है कि नहीं, हेडेक होता है कि नहीं, क्यों होता है। इस बार आप सुनेंगे स्पेशलिस्ट यानी कि प्रॉपर बेहोशी के डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट से। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर दिनेश जैन जो कि बेहोशी के डॉक्टर हैं, हम इनको एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बोलते हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं। इनको बुलाने का मकसद ये है कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ पेनलेस डिलीवरी क्या होती है। मैंने आपको हर बार बताया कि डिलीवरी का जो दर्द होता है उसको आप डिलीवरी को इंजॉय करने के लिए अगर उस दर्द को थोड़ा कम कर दो, उसमें हमको जरूरत पड़ती है बेहोशी के डॉक्टर की। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कि आप बेहोश नहीं होते लेकिन आपका यहाँ से लेकर नीचे तक का पेन खत्म हो जाता है, टच फील होता है, आप चल सकते हैं, आप टॉयलेट जा सकती हैं, पेन फील नहीं होता जबकि पेन आ रहा होता है। बहुत सारी बड़ी बूढ़ी जो होती हैं घर की, वो बोलती है ऐसे कैसे हो सकते हैं कि आप दर्द खत्म कर देंगे और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। दर्द हम खत्म नहीं करते, दर्द को पेशेंट को फील नहीं होता, दर्द आ रहा होता है। तो आज इस पे ज़्यादा ज्ञान देने के लिए मैंने डॉक्टर दिनेश को बुलाया है और हम और भी बात करेंगे कि जो स्पाइनल हम पीछे आपको देते हैं, पीछे बैक पे नीडल लगाते हैं, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपके दिमाग में जो मिथ्स हैं वो क्या है। तो डॉक्टर दिनेश जैन, मैं डॉक्टर दिनेश जैन, कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट वर्किंग इन जोधपुर। मैं आज पेनलेस डिलीवरी के बारे में, जैसा मैडम ने आपको बताया, उसके बारे में थोड़ा सा आपके कंसेप्ट्स को, थोड़े आपके जो दिमाग में भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। पेनलेस डिलीवरी कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है, काफ़ी सालों से ये इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है लेकिन अभी भी लोगों में इतनी जागरूकता आई नहीं है। तो पेनलेस डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल है, आप डिलीवरी विदाउट पेन के करवा सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो सर, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आप हमारा दर्द ही खत्म कर दोगे तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, तो वो तो मैंने इनको बता दिया, दर्द खत्म नहीं होता, दर्द होता है। लेकिन पेशेंट को अपन जब बताते हैं तो उनको लगता है मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा, मेरे कहीं सिजेरियन तो नहीं हो जाएगा, एपिड्यूरल से सुना है डिलीवरी लेट हो जाती है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है मैम, इसमें बच्चे को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। एक्चुअल में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर हम ऐसे करते हैं कि कमर में, पहले कमर को सुन करके उसमें एक नीडल के थ्रू एक कैथेटर, एक पतला सा वायर होता है, उसको प्लेस करके उसमें हम हमारी दवाई डालते हैं। उस दवाई की कंसेंट्रेशन, उसकी डोज जो होती है वो इतनी कम रखी जाती है कि पेशेंट का हाथ पैरों का मूवमेंट जो है वो बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है। सिर्फ उसको पेन का सेंसेशन बंद हो सकता है, पेन फाइबर्स को ब्लॉक करता है, सिर्फ सेंसरी ब्लॉक होता है। पेशेंट अच्छे से पुश कर सकती है, जब भी उसको कॉन्ट्रेक्शन होंगे उसका वो प्रेशर फील करेगी लेकिन उसको दर्द महसूस नहीं होगा। और ये बिल्कुल भी मोटर अफेक्ट नहीं करता है, हाथ पैरों का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है, तो पेशेंट चल सकता है, वॉशरूम तक जा सकता है, उठ के बैठ सकता है, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो डिलीवरी जो हल्का सा लेट अगर होता भी है तो ऐसा थ्योरेटिकली अगर देखिए तो नहीं होता है, बट जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है अपने पेशेंट्स में, क्योंकि पेन थोड़े कम हो जाते हैं तो पेशेंट जो पुश करने की जो टेंडेंसी होती है ना, पुश कर करके और जल्दी जल्दी पुश कर करके बच्चे को बाहर निकालते हैं, उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेज जो मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर यानी कि जब बच्चा पूरी तरह से नीचे नहीं आया, रास्ता नहीं खुला है, वो तो बल्कि बहुत फास्ट जाती है एपिड्यूरल लगाने के बाद, क्योंकि पेन कम हो जाता है, वो फास्ट जाती है। सेकेंड स्टेज में जब आपको पुश करना होता है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि आपका सेंसेशन थोड़ा कम हो जाता है। बट बच्चे को कोई रिस्क होता है क्या? नहीं, इससे बच्चे में कोई रिस्क नहीं होता। यूजुअली हमारी जो ड्रग है वो बैरियर को, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे को अफेक्ट नहीं करती, मतलब आवल को क्रॉस नहीं करती, आवल को क्रॉस नहीं करती है, तो बच्चे में साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं। तो ऐसा नहीं कि आपका बच्चा सोता हुआ पैदा होगा या बच्चे के डॉक्टर बोलेंगे आपने क्या दवाई दे दी, बच्चा तो सो रहा है, बच्चे के रिफ्लेक्सेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एपिड्यूरल बिल्कुल सेफ है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि एपिड्यूरल लगाना कब चाहिए? अब पेशेंट बोलते हैं हमको एपिड्यूरल चाहिए, आप बताइए हम रात के 2 बजे आएंगे तो क्या हो जाएगा? तो मैं इनको बोलती हूँ हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे, वो आ जाते हैं रात के 2 बजे, वो लगा भी देते हैं। लेकिन एक्टिव लेबर शुरू में, अर्ली लेबर कब आना चाहिए पेशेंट को? वैसे एपिड्यूरल के लिए सबसे बड़ा जो इंडिकेशन होता है वो होता है पेशेंट डिमांड। जब भी पेशेंट डिमांड करता है हम उस समय लगा सकते हैं। हमारे गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पेशेंट को चेक करते हैं और उसका डायलेटेशन अगर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो बेस्ट है। उस टाइम पे हमारा जो एपिड्यूरल कैथेटर प्लेसमेंट का टाइम है वो बेस्ट ऑप्टिमम टाइम है। अच्छा, सही है। हाँ, उसके बाद में हम जब चाहें, जब भी पेशेंट का डिमांड हो उस समय हम इसको लगा सकते हैं। तो बेसिकली एपिड्यूरल आप कभी भी ले सकते हैं, आपको शुरू में हल्के से पेन शुरू है तब भी ले सकते हैं। आप एक्टिव लेबर, जैसे कि सर ने बताया एक्टिव लेबर यानी कि जब बच्चेदानी का मुंह करीब 3-4 सेंटीमीटर खुल जाता है, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि 2 फिंगर लूज, आपने कई बार सुना होगा 2 फिंगर लूज हो गया, तो वो सही टाइम होता है। कारण ये है कि जब आप एक्टिव लेबर में जा रही है तो उस समय आपका दर्द अब तेज होने वाला है, उस समय अगर हमने आपको पेन फाइबर को ब्लॉक कर दिया तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जल्दी लगाने से ये नुकसान होता है कि थोड़ा सा आपका लेटेंट फेज जो चल रहा है वो थोड़ा और डिले हो जाता है, तो और टाइम लगता है और आपको लगता है मैं हॉस्पिटल क्यों आ गई, दर्द तो आ ही नहीं रहा। जब आप एक्टिव फेज में जाती है तो वो बेस्ट टाइम होता है। हालांकि जैसे कि सर कह रहे हैं कि रात के 2 बजे 3 बजे फुल अगर आप
एक्टिव, बिल्कुल ऐसा लग रहा है डिलीवरी होने वाली, तब भी आएंगे तो भी ये लगा देंगे, लेकिन वो कहीं कहीं आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी रहता है, वेस्ट ऑफ टाइम रहता है, क्योंकि जब लग रहा है कि डिलीवरी एक घंटे में हो रही है तो सर को बुलाएंगे, सामान खरीदेंगे, जब तक एपिड्यूरल लगेगा 15 मिनट में आप डिलीवर कर जाएंगे, इसलिए मैं मना करती हूँ। तो जो मेरे पेशेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैंने आपको कई बार यही बोला होगा कि अवॉइड करें कि बहुत एडवांस लेबर में ना आए, बिल्कुल जैसे लगे कि बस होने वाला बच्चा ये है, लेकिन टेक्निकली आपको कभी मना नहीं किया जाएगा, आप डिमांड करेंगे सर रात के 2 बजे 3 बजे भी आके लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को पूछते हैं कि एपिड्यूरल की वजह से ऐसा तो नहीं कि मेरा सिजेरन हो जाएगा क्योंकि मेरे दर्द खत्म हो जाएंगे, या फिर और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मेरी यूरिन रुक जाएगी या मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें लोग गूगल पे पढ़ के आते हैं, तो आप एज एनेस्थेटिस्ट क्या बताएंगे इन लोगों को, साइंटिफिकली क्या होता है? नहीं, ऐसा स्टडीज से प्रूवन है कि एपिड्यूरल की वजह से या पेनलेस डिलीवरी की वजह से ऐसा कभी भी नहीं देखा गया है कि सिजेरियन के चांसेस बढ़ गए हैं। वो कोई और रीजन हो सकता है, जैसे आपका लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है या मिकोनियम है या यानी अदर इंडिकेशन, किसी और कारण से सिजेरियन में कन्वर्ट होता है, तो हम इसी एपिड्यूरल के थ्रू ज्यादा कंसेंट्रेशन में डोज देके विदाउट अलग से कोई एक सुई और लगाए बिना हम इसी के थ्रू डोज दवाई देके सिजेरियन करवा सकते हैं। तो देखिए, आपको वापस से नीडल नहीं लगवानी है स्पाइनल में। आपको पता है कि जब आपको सिजेरियन होता है तो पीछे पीठ पे एक स्पाइनल नीडल लगती है, जब ऑलरेडी एपिड्यूरल लगा हुआ है और किसी कारणवश आप प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बच्चा उल्टा हो गया या बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया, ऐसे में इसी कैथेटर के थ्रू एक्स्ट्रा डोज देके आपको पूरा सुन करके ऑपरेशन किया जा सकता है। तो इसकी वजह से पेशेंट को साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? पेशेंट को साइड इफेक्ट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे पेशेंट का थोड़ा सा बीपी लोअर साइड रह सकता है, बीपी कम हो सकता है, किसी किसी पेशेंट में 1 in 1000 पेशेंट में किसी किसी पेशेंट का यूरिन रुक सकता है या यूरिन का थोड़ा सा थोड़े से टाइम के लिए सेंसेशन उसको कम आ सकता है, और पैरों में नंबनेस ऐसे सुनापन झंझनाहट रह सकती है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा डोज अगर पेशेंट ने डिमांड कर ली उसकी वजह से होता है? हाँ, आजकल तो ऐसी टेक्निक्स आ गई है जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं पेशेंट कंट्रोल्ड एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, उसमें एक पंप आता है, पेशेंट कंट्रोल्ड होता है वो, हम उसका पंप पेशेंट को हाथ में दे देते हैं, जब पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है पेशेंट उसका बटन दबाता है और उसमें से अपने आप जो लिमिटेड डोज हमने उसमें फिक्स कर रखी है वही डोज उसको डिलीवर हो जाती है और उसका पेन खत्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज सर ने बताया कि पंप आ गया, जैसे कि आई थिंक मॉर्फिन पंप्स भी हैं, मैं जैसे यूके में काम करती थी वहां पर मॉर्फिन पंप्स हुआ करते थे, मॉर्फिन ओपियोइड है तो उससे थोड़ा सा पेशेंट को तो ये बहुत अच्छे इफेक्टिव है, पेशेंट आराम से अपना पंप कैरी करके वॉशरूम तक जा सकती है, उसको पेन हुआ उसने बटन दबाया, विद इन 1 मिनट ड्रग डिलीवर हो गई और विद इन 2-3 मिनट्स उसका इफेक्ट आ गया। तो मतलब बहुत अच्छी चीज है, और मेन बात यह कि बस आपको थोड़ा हाइड्रेशन का ध्यान रखना है क्योंकि बीपी लो हो सकता है कभी कभी, कोई भी ड्रग आपकी स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जा रही है तो हल्का सा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर आपको पहले फ्लूइड लगाते हैं फिर एपिड्यूरल देते हैं। तो बेसिकली बच्चे के लिए, माँ के लिए बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है, सिजेरियन का कोई एपिड्यूरल की वजह से कोई रिस्क नहीं है, हो रहा है तो इसी के थ्रू अपन करवा सकते हैं आगे। अब पेशेंट ये भी पूछते हैं क्या मुझे गिडीनेस रहेगी, क्या मुझे चक्कर जैसे आएंगे, आपने बोला मोटर सेंसेशन पैरों का, कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा होता है तो चक्कर अगर तो नहीं आते? चक्कर अगर आते हैं तो उसका रीजन ये हो सकता है कि पेशेंट का हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो, पेशेंट का बीपी लो हो, बीपी लो होने की वजह से चक्कर आ सकते हैं, इसलिए हम पेशेंट को फ्लूइड लगा के रखते हैं। इवन अगर हमारा सिजेरियन का कोई इंडिकेशन नहीं है आगे तो हम पेशेंट को ओरली भी अलाउ रखते हैं, ओरली अलाउ रखते हैं, पेशेंट पानी पी सकता है। ओके, और कैथेटर आप नेक्स्ट डे निकाल, कैथेटर डिलीवरी के बाद या सिजेरियन के बाद में हम निकाल देते हैं। और इस कैथेटर का फायदा ये रहता है कि डिलीवरी के बाद, मान लिया नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो जो नीचे में हम लोग स्टिच लगाते हैं एपिजियोटमी, उसमें भी आपको लोकल की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि नीचे पूरा एरिया नम है और अगले दिन तक भी आपको दर्द नहीं होता क्योंकि एपिड्यूरल आपको अभी भी लगा हुआ है, आप चाहे तो उसमें और डोज ले सकते हैं, तो ये बड़ा इसका फायदा है। तो आप लोग बिल्कुल भी एपिड्यूरल से ना डरें, हम लोग बहुत कॉमनली पेनलेस डिलीवरीज कराते हैं, जैसा कि सर ने बोला सालों से हो रहा है लेकिन इसका ट्रेंड अभी भी नहीं है। मैं यूके में थी, मैंने 4 साल प्रैक्टिस करी, वहां पर लेबर रूम में कम से कम 10 पेशेंट एक साथ डिलीवरी हो रही होती है, किसी भी लेबर रूम में मैंने ऐसे नहीं देखा किसी भी रूम में जिसको एपिड्यूरल ना लगाओ, सब लोग एपिड्यूरल लेते हैं क्योंकि वो अपनी डिलीवरी को एंजॉय करना चाहते हैं, बच्चे की आवाज़ सुनना चाहते हैं, चिल्ला चिल्ला के दर्द में अपने आप को उस नाइटमेयर से बचाना चाहते हैं कि हमने डिलीवरी को एंजॉय नहीं करा तो जिससे नेक्स्ट टाइम सिजेरियन ना हो। तो इस चीज को इंडिया में ट्रेंड में लाने के लिए हम लोग ये मेहनत करेंगे, आपको समझाएं कि बहुत ही सेफ चीज है और आप अपनी प्रेगनेंसी और डिलीवरी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों का, जो स्पाइनल नीडल होती है, पहली बात तो एपिड्यूरल और स्पाइनल नीडल में क्या फर्क है, एक बार हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, एपिड्यूरल नीडल जो है उसका बोर, उसकी जो मोटाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 18 गेज की होती है वो, जबकि स्पाइनल नीडल की गेज है वो 25 गेज या 27 गेज की होती है जो उससे काफ़ी पतली होती है। तो स्पाइनल नीडल से जो टिश्यू ट्रॉमा और जो दर्द है वो एपिड्यूरल नीडल के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। एपिड्यूरल पेनलेस डिलीवरी के अंदर ये एपिड्यूरल नीडल हमारी होती है, इसके थ्रू
हम ये एपिड्यूरल कैथेटर है, इसको पेशेंट के कमर में सुई लगा के इस कैथेटर को प्लेस करके और उसके थ्रू हम ये लगा के दवाई इंजेक्ट करते हैं और उसके थ्रू पेशेंट पेनलेस पेन फ्री हो जाता है। तो बेसिकली स्पाइनल नीडल पतली है, एपिड्यूरल थोड़ा मोटा है, तो क्या इसके बाद बैकएक हो सकता है? दोनों नीडल्स के बाद में बैकएक करा सकती है? बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पेशेंट्स बोलते हैं मेरा बैकएक अभी तक नहीं गया। मैं उनको बोलती हूँ मेरे खुद के दो सिजरन हुए हैं, दोनों बार स्पाइनल नीडल लगी है, मुझे आज तक कभी बैकएक नहीं हुआ, तो रीजन क्या है कि ये लिंक करते हैं? इसका रीजन सबसे बड़ा ये है मैम, टिश्यू ट्रॉमा। जब अपन स्पाइनल नीडल पहले जो आती थी वो अलग टाइप की आती थी, वीटेकर टाइप आता था, उसमें एक स्टील की नीडल होती थी, उसके अंदर से नीडल थ्रू नीडल और डालनी पड़ती थी, तो उसकी वजह से टिश्यू ट्रॉमा ज़्यादा होता था, फाइबर ज़्यादा कट होते थे, पेन ज़्यादा होता था। अभी जो नीडल यूज़ हम करते हैं वो पेंसिल टिप नीडल है, उसको पेंसिल टिप बोलते हैं, ये टिश्यू सेपरेटिंग नीडल है। पहले टिश्यू कटिंग नीडल आती थी तो टिश्यू ज़्यादा कटता था, पेन ज़्यादा होता था, अभी टिश्यू सेपरेटिंग नीडल है पेंसिल टिप, जिसको हम क्विंके टाइप कहते हैं। वो और पतली आ गई पहले के कंपैरिजन में, 25-27 गेज की, तो टिश्यू ट्रॉमा कम होता है, पेन कम होता है। तो ये चीज आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे कि हम लोग दिखा रहे हैं बैक पे कि दोनों नीडल्स में कितना फर्क है। तो अब स्पाइनल की वजह से बैकएक नहीं होता, और एपिड्यूरल तो वैसे भी बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता है, वो बड़ी मोटी है तो वो बैकएक नहीं कराएगा, बैकएक नहीं कराती, प्लस उसमें हम पहले लोकल लगा के करते हैं तो टिश्यू ट्रॉमा कम होता है, ट्रॉमा कम होता है। और दूसरी चीज है जो हमारा अप्रोच होता है स्पाइनल लगाने के लिए, एक होता है मीडियन अप्रोच, एक होता है पैरा मीडियन अप्रोच, मतलब एक में हम स्पाइनल कॉर्ड के एकदम मिड से स्पाइनल लगाते हैं और एक में साइड से लगाते हैं। तो जो सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस और इंटर स्पाइनेटस जो लिगामेंट्स हैं उनका ट्रॉमा मीडियन में ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पेन होता है, पैरामीडियन में कम ट्रॉमा होता है तो कम पेन होता है। अच्छा, ओके। तो बेसिकली आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल ना डरे कि मेरी पीठ में नीडल लगी थी इससे मेरे को बैकएक हो गया, बैकएक है तो कोई और रीज़न ही इसकी वजह से नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, बैकएक का एक रीज़न और बैकएक का एक रीज़न और है, प्रेगनेंसी के अंदर लंबर स्पाइन का कर्वेचर बेबी के वेट की वजह से अलग होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी खत्म होती है, प्रेगनेंसी के बाद में पोस्टपार्टम पीरियड में 6-8 वीक के बाद में जब स्पाइन का कर्वेचर जब नॉर्मल शेप में आता है तो उसमें हल्का सा पेन उसकी वजह से रहता है। क्योंकि आपको मैंने कितनी बार बताया आपकी जो स्पाइन है वो पूरी ऐसे हो गई, पेट पूरा आपका ऐसे हो गया, तो पीछे की स्पाइन में लॉर्डोसिस बढ़ गया है, तो जब ये वापस स्ट्रेट होती है तो जैसे कि सर कह रहे मसल्स पुल होती है तो वो बैकएक होता है। तो प्लीज स्पाइनल या एपिड्यूरल को ब्लेम ना करें। डॉक्टर दिनेश, मैंने बहुत कॉमनली देखा है, नॉट वेरी कॉमनली बट हाँ कॉमन है, कि स्पाइनल लगाने के बाद पेशेंट को दूसरे तीसरे दिन जब छुट्टी का टाइम आता है तो उसको हेडेक शुरू हो जाते हैं, स्पाइनल हेडेक जो होते हैं, तो इसका रीजन क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए मैम, इसको हम हमारी लैंग्वेज में PDPH कहते हैं, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। जैसे हम स्पाइनल लगाते हैं तो पहले ये ज़्यादा होता था, अभी इसका इंसिडेंस कम हो गया। उसका दो रीज़न जो मैंने पहले भी बताए, पहले मोटी नीडल्स काम में लेते थे, अभी पतली नीडल्स काम में लेते हैं, पहले कटिंग टिप लेते थे, अभी पेंसिल टिप काम में लेते हैं हम नीडल, तो इसकी वजह से PDPH का जो इंसिडेंस है या जो स्पाइनल के बाद में सरदर्द है उसका हेड जो इंसिडेंस है वो काफ़ी कम हो गया, अभी तक कॉमन नहीं दिखता है, ये काफ़ी कम हो गया है। फिर भी कुछ पेशेंट्स में होता है, स्पेशली यंग पेशेंट्स में, आपके अगर सिजेरियन वाले पेशेंट्स हैं उनमें आप इसको इंसिडेंस को ज़्यादा देखेंगे बजाय कि हिस्टेक्टोमी वाले पेशेंट्स में, क्योंकि जितना जितना एज बढ़ती जाती है ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसकी मात्रा कम होती जाती है, तो उसकी वजह से ये दर्द कम होता है। हम जब स्पाइनल लगाते हैं तो उसमें छोटा सा एक छेद हो जाता है तो वहां से CSF किसी किसी पेशेंट में लीक करता लीक है, तो उसका जो ब्रेन के ऊपर ट्रैक्शन लगता है उसकी वजह से पेशेंट्स को हेडेक होता है। ये यंग पेशेंट्स में ज्यादा होता है, इसको बहुत इजीली ट्रीट किया जा सकता है। आपको ऑपरेशन के बाद में खूब अच्छे से पानी पीना है, अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, ओरल टैबलेट्स आप पेन किलर ले सकते हैं अपने डॉक्टर की एडवाइस लेके, और चाय या कॉफ़ी, ये भी इसमें काफ़ी कैफीन जो है, चाय और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भी आपको इसमें काफ़ी हेल्प करती है। बहुत ही रेयर इंसिडेंस में, मतलब 1 in 1000 पेशेंट्स में ऐसा होता है कि अगर उसके बाद में भी ये हेडेक कम नहीं होता है तो एक एपिड्यूरल ब्लड पैच करके हमारा एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम एपिड्यूरल में एपिड्यूरल नीडल इंसर्ट करके उसमें पेशेंट का ब्लड लेके उसको एक पैच की तरह उसमें लगा देते हैं ताकि वो जो स्पाइनल नीडल में छोटा सा रेंट हुआ है वो रेंट सील हो जाए और जो CSF लीक करके ब्रेन पे ट्रैक्शन लग रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ जो पहले वाला एरिया था उसी में वापस जाता है। बिल्कुल मैम, और वैसे जब भी एपिड्यूरल स्पेस में ब्लड डाला जाता है तो ये पूरा स्पेस में फैलता है ओके। ये एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहता है तो वो किसी भी तरह के रेंट को सील कर देता है। राइट, तो ये एक नया ट्रीटमेंट है एपिड्यूरल ब्लड पैच जो कि मेरे को भी नहीं पता था। और बाकी जैसे सर ने बोला हाइड्रेशन करें क्योंकि थोड़ा बहुत आपका जो ब्रेन का फ्लूइड है लीक हो रहा है, और अगर आप नहीं पी पाते तो हम लोग एज
क्लिनिशियंस आपको ड्रिप लगाते हैं जिससे फास्ट आपकी बॉडी में पानी जाए और आपका हाइड्रेशन मेंटेन हो जाए. सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दिनेश फॉर दिस अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी नहीं पता थी. एंड आई एम श्योर अब आप लोगों को एपिड्यूरल से डरने लगेगा, स्पाइनल से डरने लगेगा, कुछ भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं.